नमस्कार मेरे दोस्तों, आपको मैं जो आज खबर दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ वो बिहार के पूर्व बाहुबली और उससे साथ साथ उनका जो डेजिग्नेशन है, पोजीशन है, 4 बार सांसद रहे हैं और उनकी वाइफ भी सांसद थी। और ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ पार्लियामेंट हाउस में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटर किए थे। लेकिन जो इन दिनों उनके ऊपर बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव कुछ लास्ट 2 सालों से बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर सुर्खियों में आए हुए हैं। और जब वहाँ पे बिहार में जब फ्लड आया था, बहुत मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से आया था लास्ट ईयर, और उस समय उन्होंने पूरी तरह से जनता का हेल्प किया था। जब बिहार के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं लाचार दिख रहे थे, पटना जैसे शहर में पानी का एकदम सैलाब बना हुआ था, पटना के जो मेन मेन एरियाज थे उन सब में हाई टाइड का कंडीशन बना हुआ था, मतलब फ्लड ही फ्लड दिख रहा था। उस समय में भी इन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए भी बिना मतलब किसी बात को सोचे समझे हुए उन्होंने ये कदम उठाया था कि बोट से लोगों तक मदद पहुंचाई थी। आप अगर बात करें तो चाहे वो पैसे की बात हो या खाने की या दवाई की या मतलब जो भी बेसिक नीड थी, उन्होंने जगह जगह पर जाकर खुद से मदद पहुंचाया। और आप सब जानते हैं कि पप्पू यादव की शख्सियत एक अलग है, उनकी पर्सनैलिटी भी इतनी लहीम सहीम है, मतलब हेल्दी हैं, और उनके साथ हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हैं। उनकी फैमिली के लोग बहुत स्केर्ड रहते हैं, बहुत डरते हैं कि ये इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, कहीं इनके साथ कुछ हो ना जाए। उनके बेटा की बात करूँ या उनकी वाइफ की बात करूँ रंजीता जी की, तो इन सब को वो साइड करते हुए उनका कहना है कि मुझे बिहार के लोगों में रहना है और उनके लिए काम करना है और उनको हमारी ज़रूरत है। और जिस बात का डर था मेरे दोस्तों, बिहार में वही हुआ। अभी पिछले 2 दिनों में आप जब सर्च करेंगे मीडिया को, यूट्यूब पे, तो देखेंगे कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया और ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया दोस्तों। वो हाई वोल्टेज इसलिए हो गया कि उन्होंने एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एमपी के घर के अंदर से, जो ग्राउंड होता है, कैंपस होता है, उसके अंदर कुछ 40-50 एम्बुलेंस को का पर्दाफाश किया। मतलब बताया जा रहा है कि करीब 100 एम्बुलेंस सांसद निधि से, जो एमपीज के फंड होते हैं, उससे उन्होंने ख़रीदा और अपने घर के ग्राउंड में, अपने फार्म हाउस के ग्राउंड में उन्होंने गाड़ियों को खड़ा कर दिया। और लोग दिखाते हैं और बताया भी है, इवन कुछ वीडियोस भी आए हैं, कुछ क्लिप भी आए हैं, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो दिख जाएगा कि उनसे रेत ढोया जा रहा है, यानी बालू ढोया जा रहा है। और साथ साथ जो अभी कोरोना काल पिछले साल भी इतना खतरनाक तरीके से स्प्रेड हुआ था और उससे भी विकराल रूप लिया है इस बार, ऐसे दौर में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह, चूंकि बिहार बड़ा स्टेट है, आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो भी बड़ा स्टेट है और महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा स्टेट है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो ऐसी जगहों पे गांव में, गांव खेड़े में ये ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आते हैं। साथ साथ ये कि लॉकडाउन है, जो जनरल व्हीकल्स चलती हैं वो बंद हैं, तो ऐसे में एक एमपी के घर 40-50 एट ए टाइम एम्बुलेंस खड़ा है कवर डाल के, तो ये तो बड़ा शर्म करने की बात है। लेकिन इसका क्या, इनको खामियाजा, इनको अंजाम क्या झेलना पड़ा पप्पू जी को, वो मैं आपको बताने का मेरा मकसद है। जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देखिए मेरे पास इतने ड्राइवर्स हैं, क्योंकि उनके लोगों ने कहा कि ड्राइवर नहीं इसके लिए एम्बुलेंस खड़े हैं, तो ऐसे दौर में जैसे पटना जो कैपिटल ऑफ बिहार है, बिहार की राजधानी है, वहाँ पर भी एम्बुलेंस के शॉर्टेज बताए जा रहे हैं। और 38 डिस्ट्रिक्ट का ये बिहार स्टेट है, यानी 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में लगते हैं और वो सब डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रफल में है, मतलब अलग अलग जोन में है। और वहाँ पर आप समझ लो कि 70% अप्रोक्सीमेटली गांव में, रूरल एरियाज में आबादी है। ऐसे में जो विकराल मोड़ कोरोना ने लिया है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लोगों को मुंह मांगी रकम देना पड़ रहा है, क्योंकि इस महामारी में
मेडिकल लाइन के से रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने इसमें बहुत गलत तरीके से पैसे भी कमाए बहुत सारा, वो तो एक बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करने की, आप तक पहुँचाने की, किस तरीके से दवाई में नकली दवाई कैप्सूल्स बेचे जा रहे हैं, किस तरीके से इंजेक्शंस में ग्लूकोज डाल के और लाखों की तादाद में उसको अलग अलग शहरों में, तो ये सारा रीज़न है आज जो लोग मर रहे हैं उनकी, ये भी रीज़न है क्योंकि उनको जो मेडिसिन मिल रही है कहीं ना कहीं मेडिसिन में खामियां निकल रही हैं, यानी कि डुप्लीकेट मेडिसिन है, वो फ़ायदा करने के बजाय स्टमक में जाके वो पिन कैप्सूल के अंदर जा रहा है तो वो डैमेज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सब हालात से पप्पू यादव लड़ रहे थे जहाँ पर सरकार की मदद नहीं पहुँच रही थी पिछले कई सालों से, मैं तो 2 साल से गाहे बागाहे देख रहा हूँ, तो 2 साल से लगभग पप्पू यादव को मैं जो बाढ़ की तस्वीरें आ रही थी, और ये नहीं कि इसमें कुछ एक्सट्रीम चैनल्स हैं जो नेशनल चैनल्स हैं, ख़ास तौर से NDTV ने कई बार खबर दिखाई और YouTube बेस्ड बहुत सारे चैनल हैं उन लोगों ने भी ये खबर दिखाया था कि कैसे वो बोट पे जा रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। अब बात आ गई कोरोना काल में, तो पिछले साल भी उन्होंने बहुत चढ़ बढ़ के मदद किया था जहाँ पर नीतीश कुमार या दूसरे जो ऑपोजिशन के लोग हैं अपनी जान बचाकर अपने घरों में दबके हुए थे, छुपे हुए थे, बैठे हुए थे, आप जिस वर्ड में बोले एक्चुअली ये सब लोग उस बात को डिज़र्व करते हैं। और ऐसे में पप्पू यादव अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों में जगह जगह जाकर मदद कर रहे थे, लेकिन इस बार जैसे ही एक कहते हैं ना कि सांप के पूंछ पे दुम पे पैर रख दिया, ऐसा हो गया पप्पू यादव के साथ। मतलब राजीव प्रताप रूड़ी जो MP हैं BJP के, उनका जैसे ही इन्होंने मीडिया को लेके जाके एक स्टिंग कर दिया और दिखा दिया लाइव किए, देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस इतनी बड़ी तादाद में रखी हुई है, तो माने कि दिल्ली से बिहार में एक बड़ी मतलब एक लहर खतरनाक वाली चल गई, मतलब डेंजर वेव शुरू हो गया, और प्रेस्टीज इशू बना के BJP के सांसद ने उनसे बताया जा रहा है कि उनसे बदला लेने का काम किया कि उनका कोई बहुत पुराना केस था, 32 ईयर्स के आसपास पुराना केस बताया जा रहा है, जिसका होता है ना कि बेल आप अगर आपके ऊपर केस है और अगर आप जिस डेट में उसकी तारीख होती है अगर उस पर आप नहीं पहुंचते हैं तो वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, यानी कि आपकी जो ज़मानत है वो खारिज हो जाती है, जिसको कहते हैं बेल टूट जाना ना। तो यही इनके साथ हुआ था और इनकी कमी ढूंढी जा रही थी, 2-3 दिनों में इन लोगों ने वो केस की कॉपी निकाला और मधेपुरा जहाँ से ये आते हैं वहाँ का वो FIR हुआ हुआ था, वहीं का वो केस था, तो उस केस पर का ग्राउंड बना के और यहाँ से उनको पहले हिरासत में लिया। पहले तो मैंने सुना कि उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया पटना के आवास से, उसके बाद उनको थाने लेके गए, पटना शहर का कोई थाना है गांधी मैदान वहाँ पर, उसके बाद बोला कि साहब आप हमारे कस्टडी में हैं और आपको एक तो 144 जो अभी लॉकडाउन के कानून को तोड़ने का ग्राउंड बनाया गया, तो सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई नेता हो या कोई भी NGO हो वो अगर कहीं मदद पहुंचा रहा है तो वो तो एसेंशियल कैटेगरी में आ गया ना, एसेंशियल सर्विस में आ गया, तो वो कैसे कानून तोड़ रहा है, बड़ा सवाल है। हम लोग भी बाहर जाते हैं कोई रिपोर्ट करने, कोई न्यूज़ बनाने, कोई कुछ करने या किसी की मदद करने, अगर हमारे सामने खड़ा हो जाए और बोले आप कानून तोड़ रहे हो, भाई जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या कानून जो राज्य सरकार ने दर्जा दिया, जो छूट दिया है, एग्जम्पशन दिया है कि ये चीज़ों का एग्जम्पशन है, मेडिकल का, मीडिया का, लाइक जो राशन और जो भी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है उसके लिए आप बाहर जा सकते हैं, बशर्ते कि आप जेन्युइन रीज़न के साथ जा रहे हो, वैलिड रीज़न के साथ जा रहे हो। तो ये ग्राउंड बनाया और उसके बाद इनको मधेपुरा लेके चले गए। देखिए देखिए गेट पुलिस स्टेंस बनाई है सर, देख लीजिए गेट बना लीजिए, हाँ तो बना लिया सर, छोड़ बनाइए। सरकार से पूछिए ना कि क्या।
ये बताइए कि पप्पू यादव आप लोगों ने गिरफ्तार करके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है ये बताइए। शीशा गिरा खोलो चारों। पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम जी क्या कहेंगे, किस तरीके का रवैया जो सेवा करने का नतीजा है? भाई बकरी बड़ी बकरी प्रशासन अरे हटिए ना सामने से। चलो गिरफ्तार करके गांधी मैदान थाना ले जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान थाना लग गया है ऐसे पप्पू यादव जी को। इस तरीके से इनकी गाड़ी में फॉर्च्यूनर में ये इनको बिठा के ले जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग क्लिप्स आई हैं, वीडियोस आई हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब ये देखें कि इनको मधेपुरा ले जाया गया, बाजाबता वहाँ पर जहाँ डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है वहाँ पर SP तैनात थे। तो खबर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई और ये सांसद के और BJP के साथ साथ अभी कटघरे में बिहार की सरकार भी आ रही है, बिहार सरकार भी इस कटघरे में आ रही है। नंबर वन कि अगर उनका जमानत टूटा हुआ था यानी बेल टूटा हुआ था 32 साल पहले, तो इतने साल से सरकार या उनके मुलाजिम या कायदे कानून को के रखवाले कहाँ थे? जब एक शख्स लोगों की मदद कर रहा और आज मदद की ज़रूरत है, मदद करने वालों की ज़रूरत है, तो उस मदद करने वाले इंसान को, उस मसीहा को आप उठा के लेके चले गए। और ये काम जो सरकार को करना चाहिए था, अपोजिशन को करना चाहिए था, वो काम एक अलग सांसद और एक जाप का जन अधिकार पार्टी का संरक्षक लोगों की मदद कर रहा है। इतने बड़े लेवल पे जाके मैंने तो किसी को नहीं देखा है जो 4 बार सांसद बना हो। अब आप कहेंगे कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो हिस्ट्री देखिए किस लिए किसके नाम पे क्या FIR हुआ, उसमें क्या सज़ा हो गई, सरकार ने माफ़ किया कि नहीं किया, कानून ने माफ़ किया कि नहीं किया। जब कानून ने उसको माफ़ कर दिया तो मैं या आप किसी को भी जब मुख्यधारा में ले लिया तो मैं और या आप उसको क्रिमिनल नहीं बोल सकते, उसका क्राइम हो गया फ्री। उसके साथ साथ उन्होंने आप उनका प्रोफाइल देखिए कि 4 टाइम 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि 4 बार MP का प्रोफाइल रहा उनका, 4 बार MP बने हैं। लेकिन दोस्तों इस महामारी की घड़ी में ये देखने आ रहा है कि कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, चाहे वो सरकार के लोग हों चाहे वो अपोजिशन के लोग हों। जबकि बिहार उत्तर प्रदेश में ऐसे राज्य में जातिवादी बहुत चलता है, यादव ग्रुप, भूमियार ग्रुप, तो राजपूत ग्रुप, हाँ इस तरीके से बहुत ग्रुप चलते हैं। लेकिन आज कोई भी, अभी तो पीछे तो शहाबुद्दीन थे, शहाबुद्दीन साहब जिनका डेथ हुआ रिसेंटली,
वो भी कद्दावर नेताओं में से थे, और सोशल जस्टिस करने के चक्कर में उनके ऊपर इतने सारे FIR लगते गए थे, क्योंकि उस जमाने में जब नक्सलाइट बिहार में और उत्तर प्रदेश में अपना कदम रखा था और लोगों की ज़मीनें कब्जा कर रहा था, तब वो जाके लोगों को मदद करते थे और उसकी ज़मीन को फ्री कर देते थे, और फिर नक्सलाइट क्या करते थे कि जो कब्ज़ा जो सपोज़ जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो माओवादी थे उनको थोड़ा वाइट कलर वाले से FIR करा देते थे। वो शख्स ने भी विधायक रहे, MP रहे, अच्छा खासा था, उनके साथ तो अनजस्टिस हुआ, इस बात को बिहार की जनता नहीं भुलाएगी। लेकिन अभी यादव वर्सेस यादव हो गया, यानी तेजस्वी यादव जिनको सड़क पर आकर लोगों की मदद करना चाहिए था, जिनको लोगों की ज़रूरत है। आज जब पिछले हफ्ते लालू यादव ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें लोगों को आदेश दिया अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को कि आप जाएं और लोगों की मदद करें, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को कि आज जो मदद करेगा वही कल वोट लेने के लायक उसकी ज़बान रहेगी। लेकिन ये भी बात सच है कि पब्लिक भूल जाती है अच्छी या बुरी बातों को। तो मैं आपको ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं और बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर स्टोरी बनेगी, मगर मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री पप्पू यादव का। पप्पू जी के साथ साथ उनकी वाइफ पूर्व सांसद रंजीता जी का भी स्टेटमेंट आया, उनके बेटे सार्थक रंजन का भी स्टेटमेंट आया कि किस तरीके से उनके फादर के साथ अनजस्टिस हो रहा है और उनकी मदद के लिए कोई भी पॉलिटिशियन सामने नहीं आ रहे हैं, चाहे वो यादव हों चाहे वो कुमार हों। तो कहीं ना कहीं उनसे आज की तारीख में जो सत्ता में हैं उनको भी डर है, और जो सत्ता के मतलब विपक्ष में हैं यानी ऑपोजिशन लीडर जो है या ऑपोजिशन में जो पार्टी है उसको भी डर है कि कहीं ये पप्पू यादव हीरो ना बन जाए, कल को मुख्यमंत्री का दावेदार ना हो जाए। लेकिन दोस्तों ये जनता का काम है, कौन किसको चुनेगा। जो नाइंसाफ़ी शहाबुद्दीन साहब के साथ हुई वो पप्पू यादव के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनको सपोर्ट करें, हैशटैग चलाएं जैसे चल रहा है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो खुल के आए लोगों की मदद करे बिना जात पात के, कोई जाति पाति नहीं है, वो ऐसा नहीं होता था कि वो यादव को करता था, भूमिहार को करता था, मुसलमान को नहीं करता था, ऐसा कुछ नहीं था, वो मदद इंसान की करता था। अभी उनको इस केस का ग्राउंड बनाकर 14 दिन के लिए अदालत जो कोर्ट ने 14 दिन के लिए उनको हिरासत में लेकर लेने के बाद 14 दिन के लिए उनको जेल भेज दिया गया है। 14 दिन के बाद तो भाई साहब आएंगे, फिर क्या कीजिएगा। एक मसीहा को, एक जिसने ठान लिया है कि मुझे लोगों के लिए जनता के लिए काम करना, उसको आप कब तक रोकिएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके साथ ये गलत हुआ। लोग बहुत, अभी दो दिन का मधेपुरा में उनके ज़िला में और उनके शहर में पूरी दुकानें बंद थी, यानी कल दुकान बंद थी और आज भी बंद थी, ऐसी खबर आ रही है, और पटना में भी बड़ा विरोध उनका दर्ज कराया गया। तो दोस्तों ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाएं, ना कि उनके हौसले को गिराएं। और देखिए जो अच्छा करेगा उसको तो आगे आना ही है, और नहीं आएगा सो बात नहीं है। तो आप लोग ऐसे जो सोशल जस्टिस करने वाले लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं रियल में, उनकी मदद करें और उनके साथ खड़े रहें। नहीं तो अगर ऐसा पप्पू यादव जैसे चार बार सांसद रहे हुए इंसान के साथ, और एक ज़माने में वो बहुत वज़नदार आदमी हुआ करते थे, यानी जिसको जो बोल देते थे वो हिलता नहीं था, उनके साथ अगर कानूनी दांव पेच करके उनको अंदर कराया जा सकता है तो बाकी लोग फिर हिम्मत कैसे करेंगे किसी की मदद करने के लिए। तो जब जिस राज्य में या जिस देश में जब पॉलिटिशियन करप्ट हो जाते हैं तो आवाज़ उठाने वाले लोगों पर केस करते हैं, और केस में झूठे केस में उनको फंसा के अंदर कर देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत दुख की घड़ी है और दुख का समय है, क्योंकि महामारी है, लॉकडाउन है, इसका पालन आप लोग भी कीजिए, अपनी और अपने अपने परिजनों की जान बचाइए, अपने पड़ोसियों की जान बचाइए, और जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।